नमस्कार। हेलो फ्रेंड, झटपट झटपट घरेलू डिश में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कद्दू थेपला बनाएंगे फ्रेंड, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए, इसके लिए हमने लिए हैं इस कप से 1.5 कप आटा और 1 कप घिसा हुआ इसका सीड निकाल के, देखिए ये जो सारा सीड है आप इसको निकाल दीजिएगा। सीड निकालने के बाद ही इसको कद्दूकस कीजिएगा। तो 1 कप 100 ग्राम कद्दूकस किया हुआ फ्रेंड, और इसमें डालेंगे देखिए हरी मिर्च और लहसुन कुटा हुआ फ्रेंड, 4-5 हरी मिर्च और लहसुन, हल्दी, नमक बस, और थोड़ा सा सरसों तेल। अब फ्रेंड इसको हम सान लेंगे, 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल। अब इसको इसी में, पानी नहीं डालना है फ्रेंड, इसी को मिक्स करके हम सानेंगे आटे में, बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे, एकदम सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड ये थोड़ा सन गया, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला डाल लीजिए। अगर आप ज्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो लाल मिर्च दीजिए, नहीं तो फ्रेंड इतना से ही बहुत तीखा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड एकदम, देखिए सॉफ्ट आटा लग गया। अब इसका हम एक छोटा छोटा बॉल बनाएंगे, ये देखिए एक साइज का बॉल आप बना लीजिए। ये देखिए अब आटे के सहायता से इसको बेलिएगा, चारों तरफ आटा छीटेंगे और उसके सहायता से चारों तरफ एक तरह का बेलेंगे फ्रेंड, एकदम पतला थेपला, ये बहुत ही अमेजिंग होगा फ्रेंड। ये देखिए ये कद्दू थेपला बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी होता है फ्रेंड। अब हम इसको एक एक करके बेलेंगे और सेक लेंगे फ्रेंड। देखिए पेन रख दिए, अब हम ये थेपले इस पे डालेंगे, पेन हल्का गर्म होना चाहिए, फ्लेम मीडियम ही रखिएगा और इसको अच्छे से दोनों तरफ पलटते हुए सेकेंगे। देखिए दोनों तरफ पलटते हुए हमने सेका, एकदम दोनों तरफ से अच्छे से एकदम सिक जाना चाहिए, जैसे आप रोटी या पराठा सेकते हैं एकदम चित्तीदार। अब इसमें हम डालेंगे सरसों तेल, मस्टर्ड तेल का, ये बहुत अच्छा थेपला बनता है फ्रेंड। अब इस तरफ भी पलटकर तेल को डालेंगे, एक एक चम्मच दोनों तरफ से हम तेल डालेंगे, कोई मसाला नहीं, बिना मसाला का ये थेपला बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए चारों तरफ चम्मच को घुमाते हुए ही हम, ये देखिए अब हमारे देखिए चिट्टीदार एकदम सेक के तैयार हो गया कद्दू थेपला। अब दोनों तरफ से पलटिए और दोनों तरफ से ये सेकिए, ज्यादा तेल की मात्रा नहीं देना है। ये देखिए सरसों तेल बहुत ही फायदा करता है। देखिए हमारा, देखिए
थेपला कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे को सेकेंगे फ्रेंड। बस एक लोई लेंगे और एक व्यास में सारे को बेलेंगे एकदम पतला, और फ्लेम मीडियम रखेंगे और दोनों तरफ से सेक लेंगे। इतने आटे से देखिए 5 से 7 थेपला बनकर तैयार हो गया। ये एकदम अमेजिंग नाश्ता है। और 2 मिनट में बनकर तैयार भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए कितना फटाफट ये बन रहा है। बनकर तैयार हो गया, अब सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड थेपला बनकर तैयार हो गया। फ्रेंड ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और झटपट झटपट घरेलू डिश में अपना अनुभव जरूर लिखिए। ये खास ट्रेन के लिए ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है फ्रेंड। जो 2 मिनट में बनाए और सप्ताह भर खाए बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का कोशिश करें फ्रेंड। और 1 सब्सक्राइब बनता है, प्लीज सब्सक्राइब करें फ्रेंड। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।